और गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित बयान दिया। मिस्त्री के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना की सभा में गालियों का जिक्र ऐसे ही नहीं किया था। शायद ये जवाब कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री को था, जिन्होंने गुजरात चुनाव के संदर्भ में बोलते हुए पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस के मधुसूदन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को औकात दिख जाएगी, क्योंकि गुजरात का विधानसभा चुनाव। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनाव हो रहा है, इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस बयान को हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तक मैदान में आ गए। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, जो गुजरात 27 वर्षों से कांग्रेस को उसकी औकात दिखाता आ रहा है, उसके बेटे को औकात दिखाने की बात करना गुजरातियों का अपमान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को गाली देना बंद कब करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा था, उसका परिणाम कांग्रेस आज तक भुगत रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने सबक नहीं लिया। चुनाव से पहले पीएम मोदी को इस तरह से मौका देना लगता है कांग्रेस की आदत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।